हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? होपफुली सारे बढ़िया होंगे। तो भाई आज आपके लिए लेके आए हैं बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ा मतलब रीयूनियन किसका है वो आपको मैं बताऊंगा। फर्स्ट मैं ये बता दूं कि आज एक मनीषा ने स्टोरी लगाई जिसके बाद वो पता चला कि वो जा रही हैं चंडीगढ़ में जाएंगी। तो भाई किसके साथ मिलेंगी वो आप लोग सब समझ सकते हो कि चंडीगढ़ में कौन है कौन नहीं। मैं बता देता हूँ भाई, चंडीगढ़ में एलविश यादव भाई के साथ वो रीयूनियन कर रही हैं। रीयूनियन मतलब मिल रही हैं। अब मैं आपको एक न्यू अपडेट देता हूँ इस चीज़ के बारे में ये है कि भाई जो मनीषा रानी और एलविश यादव है, इन दोनों का गाना आने वाला है जिसका आज हो रहा है शूट चंडीगढ़ में, जिसके मेरे पास पुख्ता सबूत है, सब कुछ है। भाई लव कटारिया भाई है जो करप्ट ट्यूबर है जो उन्होंने भाई अपने व्लॉग में बताया था कि भाई रीयूनियन मैंने बोला था कि मैं करवाऊंगा, तो अब आपको रीयूनियन देखने को मिलेगा। और रीयूनियन भी ऐसा तगड़ा वाला कि भाई पूरा का पूरा शूट हो रहा है, गाना शूट हो रहा है, गाना कर रहे हैं एलविश यादव और मनीषा रानी दोनों एक साथ। तो कौन कौन एक्साइटेड है भाई, ये सब चीज़ें ज़रूर बताना। और मैं भाई एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ यहाँ पे, एलविश यादव और फुकरा इंसान की जो भी कंट्रोवर्सी चल रही है यार, उसमें मनीषा रानी को घसीटना अब बंद करो, क्योंकि मनीषा रानी अपना काम करना चाहती है, वो हर किसी के साथ काम करेगी यार, उसको नीड है, उसको ज़रूरत है काम करने की, और वो यही सब करना चाहती थी अपनी स्टार्टिंग से यही सब उसको करना था, तो इसलिए वो तो काम करेगी। अब ये मतलब बोलने लग जाना भाई जो भी अभिषेक के फैंस हैं कि नहीं उसके साथ काम नहीं करना था, ये नहीं करना था, वो नहीं करना था, तो भाई मनीषा रानी को हेट बिल्कुल भी मत देना। मैं सबसे भाई यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, उसका काम आएगा देखना, मनीषा रानी के लिए देखना, एक्सेप्ट करना, अच्छे अच्छे कमेंट देना, अच्छा लगेगा तो अच्छा ही बोलोगे भाई, सब लोग मेरे को इतना तो भाई सबका पता ही है, तो अच्छा लगेगा तो अच्छा ही बोलेंगे। तो भाई बहुत मज़ा आने वाला है, सारे के सारे भाई देखना ज़रूर, क्योंकि मनीषा है क्वीन, तो वो क्वीन अपना जो रानियों वाला अंदाज है भाई वो दिखाएगी। गाना कैसा है कैसा नहीं भाई वो बाद में ही पता चलेगा, अभी गाने के बारे में कोई वो नहीं है, बट गाना शूट हो रहा है आज, क्योंकि कल वाले व्लॉग में जो आज व्लॉग आया है एलविश यादव का, वो भी चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं कल रात से, और मनीषा मॉर्निंग में चंडीगढ़ पहुंच चुकी हैं। तो दोनों कल रात को लव कटारिया ने जो व्लॉग डाला था उसमें लव कटारिया ने बता दिया था कि भाई वो चंडीगढ़ पहुंच जाएंगे और इन दोनों का रीयूनियन करवाएंगे। तो कौन कौन एक्साइटेड है भाई, जरा कमेंट करके बताना कि कौन कौन एक्साइटेड है मनीषा रानी के न्यू सॉन्ग के लिए और एलविश यादव और मनीषा रानी का रीयूनियन। भाई मैं चाहता था, देखो मैं क्या चाहता था, मैं चाहता था कि तीनों का रीयूनियन हो, मनीषा रानी, फुकरा इंसान और एलविश यादव, तीनों एक साथ आए। बट अनफॉर्चुनेटली भाई जो चीज़ें ये चल रही हैं, जो कुछ हो गया है, तो उसके लिए तो भाई थोड़ा सा आपको या तो वेट करना पड़ेगा या तो वो अब कभी दिखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि चीज़ें इतनी ज़्यादा बड़े लेवल पे बढ़ चुकी हैं कि वो दोनों अब मेरे ख्याल से नहीं कि एक स्क्रीन पे आप लोग को नज़र आएंगे। ठीक है, तो एलविश यादव और फुकरा इंसान तो भाई नहीं आएंगे, हाँ एलविश और मनीषा एंड मनीषा और अभिषेक ये लोग अलग अलग नज़र आ सकते हैं, हाँ ये लोग तो आएंगे भाई, इनकी कोई लड़ाई नहीं है। और मनीषा रानी को कृपया करके प्लीज़ उल्टा सीधा मत बोलना भाई, ये हम्बल रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से। और कौन कौन एक्साइटेड है भाई ज़रूर बताना अपना अपना कमेंट करके। और ये जो भी फुद्दू से बंदे भाई मनीषा रानी को हेट दे रहे हैं अभी भी बाज नहीं आ रहे हैं भाई, इनकी लाइव स्ट्रीम में चेक करो, इनका कुछ भी चेक करो यार, मनीषा रानी को दे दबा के हेट दे रहे हैं ना भाई, मैं इनको ना भाई बोलता हूँ ये कम दिमाग के बंदे, इनका दिमाग लोगों के, चलो जो जिसका कम दिमाग होता है वो घुटनों में होता है भाई, इनका तो बिल्कुल गिट्टों में है, जो पैर होता है ना पैर के नाखून में चला गया दिमाग, अब धीरे धीरे बाहर होना स्टार्ट हो जाएगा बाहर। और ये लोग इतनी ज़्यादा हेट देते हैं यार, क्या चाहिए तुमको, अबे कुछ कभी क्रिंज बोलते हो, कभी कुछ बोलते हो, कभी कुछ बोलते हो, तुमको तमीज़ उमीज़ है या नहीं है? बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है भाई तुमको। और बेबी का की एक्टिंग का लेवल तो तुम चेक करो ज़रा भाई, बेबी का क्या बोलती है मनीषा रानी को, अच्छा मनीषा रानी को भी हेट मिल रहा था, अबे सारा का तुमको ही मिल रहा था, सबसे पहले दिया ही मनीषा रानी को है भाई हेट, वो किसने दिया भाई, तुमने फैलवाया हेट बेमतलब में उसके बारे में, फालतू बोल के इसको लड़के चाहिए, इसको ये चाहिए, इसको वो चाहिए, भाई सबको पता है किसको क्या चाहिए, और तुम किस लिए लड़ रही थी भाई बिग बॉस में मनीषा रानी के साथ,
ये भी सबको पता है, तुम किस लिए लड़ रही थी, तुमको भी ये था ना कि भाई एलविश आया है, एलविश के साथ मैं बातें करूंगी, बट उसके साथ मनीषा रानी की ज़्यादा अच्छी पटने लगी तो वो मनीषा रानी से बात करने लगी, तो तुमको इस चीज़ से हो गई जलन कि ये सब चीज़ें क्यों हो गई, हैं क्यों मनीषा उससे बात कर रही है, तो तुम इसलिए मनीषा रानी को फालतू बोलने लगे। तो देखो अब तुम्हारा एक भी गाना नहीं आया, अगली ने दो गाने तो कर दिए, उसके बाद व्लॉग्स करे हैं, दो गाने कर दिए, और उसके बाद अब ये तीसरा गाना, और भी बहुत सारे गानों की शूटिंग उसकी लगातार चल रही है भाई। बड़े बड़े डायरेक्टर्स उसको भाई अपने ऑफिस में बुलाते हैं और भाई बातचीत करना चाहते हैं अपने पिक्चर के साथ, अपने साथ काम करवाना चाहते हैं। तुमने क्या उखाड़ लिया भाई, तुमने क्या उखाड़ लिया, कुछ नहीं, सिर्फ पूजा भट्ट की शरण में, और पूजा भट्ट भाई तुम्हारी मूवी प्रोड्यूस करेगी और कैमरामैन और डायरेक्ट करेगी, सब कुछ करेगी वही, और तुम बनाती रहना। वैसे तुम्हारी मूवी तो उसने बनवा दिया, तुम आ गई उसकी बातों में और आके कैमरे के आगे बैठ गई भाई, दुनिया भर की हेट ले ली तुमने, चारों साइड से हेट लेके बैठी हो भी, काम धंधा करो यार। तुमको ठीक है, तुमको एक लेवल का फेम मिल गया है भाई, उसको बढ़ाओ, उसको कम मत करो, आके यार मेरे को चाहिए नहीं है, ये अनफॉलो कर दो, वो अनफॉलो कर दो, इंस्टाग्राम से हटा दो, इससे हटा दो, उससे हटा दो, यही सब काम करना आता है तुमको भाई। और मनीषा रानी के बारे में बिल्कुल कृपया करके कुछ भी अपने मुँह से कोई भी वर्ड मत निकालो, क्योंकि अच्छा नहीं होगा भाई तुम्हारे लिए, तुमको और ज़्यादा हेट मिलेगी। मनीषा रानी दिन भर दिन यहाँ से वहाँ जा रही है और वहाँ से भी बहुत ऊपर जाएगी, ये बात आप मेरी ध्यान रखना, क्योंकि उसके स्किल्स उसका टैलेंट वो अभी तराश रही है, सब कुछ था लेकिन तराशने से क्या है कि जैसे हीरा होता है ना, उसको जितना तराशते हैं उतना ज़्यादा सुंदर होता है, तो वही चीज़ चल रहा है भाई अभी मनीषा रानी के स्किल और टैलेंट पे काम चल रहा है, तो वो जितना उसको तराशेंगे वो उतना ज़्यादा सुंदर होता जाएगा, डाउन नहीं आएगा कभी भी, क्योंकि उसका जो एक फ़ैन फॉलोइंग है ना मनीषा स्क्वाड, वो बन चुका है बहुत तगड़े तरीके से। तो प्लीज़ आप इन सब चीज़ों से दूर रहो और काम करने दो उसको, वो अपना काम करेगी हर जगह जाके भाई। तो भाई सबसे बड़ी खबर तो यही है कि एलविश यादव और मनीषा रानी का गाना आ रहा है, और ये पक्की खबर है, इसको झूठा मत समझना भाई बिल्कुल भी कोई। और सारे के सारे वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, और भी मस्त मस्त अपडेट लेके आऊँगा, गाना कौन सा आ रहा कौन सा नहीं सब कुछ आपको बता दूंगा, फटाफट से लेके आना। और भाई किसको रोस्ट करना है किसको नहीं ये भी तुम बता सकते हो भाई, जरा हम ना एक नया रोस्ट लेके आएंगे भाई, बहुत नया रोस्ट, फिर देखते हैं भाई क्या चलेगा क्या नहीं भाई। थैंक यू सो मच भाई वीडियो देखने के लिए, सारे मज़े करो और एंड लगा के रखो, थैंक यू सो मच भाई।